बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश अमजद ए सईद बने हिमाचल के 27वें मुख्य न्यायाधीश। राजभवन में राजपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दिलाई पद व गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी समारोह में रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर अमजद ए सईद को बनाया गया प्रदेश मुख्य न्यायाधीश। चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले कल देर शाम धर्मशाला से शिमला पहुंची। उच्च अध्ययन संस्थान में हुआ टॉर्च रिले का स्वागत। ग्रैंड मास्टर दीप सेन गुप्ता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सौंपी टॉर्च। शतरंज प्रतियोगिता में पहली बार 127 देश ले रहे हैं भाग। सोलन में भाजपा का त्रिदेव सम्मेलन किया गया आयोजित। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने त्रिदेव सम्मेलन में की शिरकत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने किया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने करसोग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत थली में 2,19,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना थली सतलोक का किया शिलान्यास। इसमें ग्राम पंचायत शाकरा थली के गांव के लिए योजना का किया जाएगा निर्माण। कांग्रेस ने विकास दिवस के रूप में मनाई प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की पहली जयंती। नाहन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी उन्हें श्रद्धांजलि। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने वर्चुअल माध्यम से जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों की ली बैठक। उपायुक्त ने बैठक में 15वें वित्त आयोग द्वारा पारित शेल्फों को शीघ्र पूरा करने और मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता व उचित समय पर श्रमिकों को भुगतान सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लिया गया फैसला। 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक और पीवीसी बैनर नहीं हो सकेंगे इस्तेमाल। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। जिला कुल्लू के खराहल घाटी के डोभी की कुनिका ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा HAS की परीक्षा में सेकंड टॉपर बनकर अपने परिवार व जिला का नाम किया रोशन। समाज सेवा के जज्बे ने बनाया HAS अधिकारी। उपमंडल जोगिंदरनगर में उद्योग विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की 25 जून को वर्चुअल माध्यम से लोगों को दी जाएगी जानकारी। उद्योग विभाग के अधिकारी योजनाओं की लोगों को देंगे विस्तृत जानकारी। वहीं विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोग भी अपने अनुभव करेंगे साझा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में गुजरात की निजी कंपनी द्वारा 28 जून को लिए जाएंगे कैंपस साक्षात्कार। फीटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE, ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर व्यवसायों में ITI कोर्स पास 18 से 23 वर्ष के युवा ले सकेंगे भाग।